फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कोरियन कॉर्न चीज। ये कोरियन रेसिपी है, पर आप इसे घर पे भी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसमें चीज़ होता है, कॉर्न्स होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कोरियन कॉर्न चीज। तो इसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पे बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न्स लिए हैं 1 कप। प्याज को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है, साथ ही 1 टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, 1 कैप्सिकम को भी छोटे पीसेस में कट किया है, साथ ही 1 कप मोजरेला चीज, 2 अमूल के चीज क्यूब्स लिए हैं, कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 छोटा चम्मच काला मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स ली है 1 चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हमें डालना है घी या बटर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो इसमें हम लहसुन की कलियां डाल देते हैं, जिसे मैंने बिल्कुल छोटे पीसेस में कट करके रखा है। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हमें इसमें डालना है कटी हुई प्याज और साथ ही ग्रीन चिली जो हमने काट के रखी थी वो भी हम डाल देते हैं। और इन्हें भी हमें फ्राई करना है, बस थोड़ा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई कैप्सिकम और साथ ही कटे हुए टोमेटोज, और इन्हें भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना है, ये हल्के से कच्चे रहते हैं तो ही इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है। तो ये देखिए बस थोड़ा सा इन्हें हमने फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वीट कॉर्न्स 1 कप, और इन्हें भी चलाते हुए बस आधा मिनट के लिए हमें इस तरीके से फ्राई कर लेना है। तो बस ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए सारी सब्जियों को मैंने हल्का सा कच्चा ही रखा है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है ये। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं वेज मेयोनीज, लगभग 1 बड़ा चम्मच आपको इसमें मेयोनीज ऐड करना है। इससे इसे बहुत ही क्रीमीनेस आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मेयोनीज बच्चों को भी पसंद आता है और ये हेल्दी भी होता है। तो मेयोनीज को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मेयोनीज को हमें मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है ताकि ओवर कुक ना हो जाए। मेयोनीज डाल दिया है, अच्छे से मिक्स किया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से प्रेस करके इसकी एक लेयर बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से एक लेयर बना लेनी है। अब हमें इस पे मोजरेला चीज डाल देना है। चीज आपके अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं। तो मोजरेला चीज यहाँ पे मैंने डाल दिया है अच्छे से। और अब हम इस पे रख देते हैं चीज क्यूब, जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। चीज क्यूब की जगह आप चीज स्लाइसेस भी यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इस पे चीज क्यूब को मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब हम इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं चिली फ्लेक्स। साथ ही इस पे हम डाल देते हैं ऑरेगानो। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर बहुत ही जरूरी है। पहले आपको गैस पे इस तरीके से तवा रख देना है और उसके ऊपर आपको ये पैन रखना है। डायरेक्ट पैन आपको गैस पे नहीं रखना है और इसे अब कवर करना है और चीज को अच्छे से मेल्ट होने देना है 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए 2-3 मिनट के लिए आप इसको गैस पे रख दीजिए मीडियम फ्लेम पे, और ये देखिए चीज मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। और ये देखिए 3 मिनट हो चुके फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम पैन को निकाल देते हैं यहाँ से और गैस ऑफ कर देते हैं।
और ये लीजिए बिल्कुल गर्मा गर्म हमारा कोरियन कॉर्न चीज यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आप चाहे तो इसे सर्विंग डिश में सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे पैन में ही एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, ये बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं लुक वाइज ये कितना प्यारा लग रहा है, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें बच्चों का फेवरेट चीज होता है। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी कोरियन कॉर्न चीज की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे टेस्टी यम्मी इजी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।